यस, वेलकम बैक मनी किचन। स्वागत है आप सभी का पीयूष किचन में। मेरा नाम पीयूष कुमार वर्मा है दोस्तों, एंड मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों पीयूष किचन करके। और मैं आज बनाने जा रहा हूँ दोस्तों व्हाइट चने की रेसिपी, यानी कि चिट्टे छोले की रेसिपी दोस्तों, एकदम होटल वाले स्टाइल में दोस्तों, एकदम रेस्टोरेंट वाले स्टाइल में, जो दोस्तों बिल्कुल मार्केट वाला स्वाद आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं व्हाइट छोले की रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को हम सारा इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं। और अगर आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, एंड बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को सारा इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं छोले की रेसिपी के बारे में, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने 200 ग्राम छोले लिए थे, जो मैंने रात को भिगो दिए थे। करीब करीब ये 12 से 13 घंटे दोस्तों हो चुके हैं इनको भीगते हुए। ये देखिए कितने अच्छे से दोस्तों फूल गए हैं, कितने अच्छे से दोस्तों। एंड मैंने 3 प्याज लिए हैं दोस्तों मीडियम साइज़ के, 3 टमाटर लिए मीडियम साइज़ के, 4-5 हरी मिर्च लिए दोस्तों, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है दोस्तों, और ये कुछ मसाले दोस्तों। खास कुछ ज़्यादा मैंने मसाले भी नहीं लिए हैं। सबसे पहले दोस्तों मसाले में मैंने लिया दोस्तों 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 काली इलायची, 4 लौंग लिए दोस्तों, एंड थोड़ी सी मैंने ली दोस्तों कस्तूरी मेथी, 1/4 चम्मच लिया है दोस्तों हींग, ये मैंने अनारदाना लिया, अनारदाना का दोस्तों पाउडर होता है वो लिया दोस्तों, एंड 1 चम्मच जीरा लिया है दोस्तों, 1/4 चम्मच दोस्तों मैंने लिया नमक, जो आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं दोस्तों, कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड मैंने दोस्तों भर के 2 चम्मच मैंने लिया दोस्तों चना मसाला, और ये मैंने दोस्तों लिया 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच रेड कश्मीरी लाल मिर्च है दोस्तों, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है थोड़ा सा, ये मैंने बेकिंग सोडा लिया दोस्तों, यानी मीठा सोडा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्याज को जो है कि ग्राइंड कर लेते हैं, उसका पेस्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने एक मिक्सी जार लिया, इसमें हम प्याज को ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे इसका। तो इसी तरह हम सारे प्याज को मिक्सी जार में काट लेंगे ऐसे। तो चलिए दोस्तों हम प्याज को ग्राइंड कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों ये देख लीजिए, हमने प्याज को जो है ग्राइंड कर लिया, एंड मैंने एक कुकर में ऑयल भी रख दिया था गर्म होने के लिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने कुकर में जो है कि सरसों ऑयल भी रख दिया था दोस्तों। इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, इसका जो धुआं है वो छोड़ जाए दोस्तों, जो इसका झार वाला झार होते हैं दोस्तों वो निकल जाए इसकी सारी। तो इसको हम 2 मिनट के लिए गर्म होने देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे जो तेल है उसका झार है वो निकल चुकी है दोस्तों, एंड अब इसी में डालते हैं हम जीरा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जीरा दोस्तों, और साथ में दोस्तों डाल देंगे, क्योंकि तेल हमारा काफ़ी सा ज़्यादा गर्म था दोस्तों, और साथ में इसमें डालेंगे हम जो हमने पेस्ट बना के रखा था प्याज का वो। और चलिए दोस्तों अब इसको मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा तेल में जो कि मिक्स कर देते हैं। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो जाता जब ये धुआं छोड़ता दोस्तों, हाई ज़्यादा गर्म हो जाता, उसको थोड़ा सा ठंडा करके तभी दोस्तों इसमें जीरा और प्याज डाले, नहीं तो दोस्तों बहुत ज़ोर ज़ोर से छींटे उड़ते हैं दोस्तों। तो मैंने दोस्तों तेल 2 मिनट के लिए ठंडा भी कर लिया था थोड़ा सा, मतलब मीडियम सा कर लिया था, तब इसमें डाला प्याज और जीरा। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया मिक्स। फिर इसी के साथ डाल देते हैं दोस्तों जो हमने खड़े मसाले रखे थे, इलायची, दालचीनी, लौंग, ये डाल देते हैं साथ में दोस्तों, ये भी साथ में पक जाएगा। और साथ में डालेंगे दोस्तों हम इसमें 1/4 चम्मच जो मैंने हींग रखी थी वो। तो दोस्तों ये 1/4 चम्मच जो मैंने हींग रखी थी ये भी डाल रहा हूँ इसी में। तो इसको हम पकने देते हैं दोस्तों मीडियम फ्लेम पे, दोस्तों मीडियम लो फ्लेम पे आराम आराम से पकने देते हैं। तब तक के लिए दोस्तों हम टमाटर और हरी मिर्च का भी पेस्ट बना लेते हैं। हरी मिर्च ली थी, 1 हरी मिर्च मैंने दोस्तों साइड पे रख दी, उसको तड़के में यूज करेंगे। तो मैंने 4 हरी मिर्च डाल रहा हूँ, और ये जो हमने टमाटर रखे थे दोस्तों इसका जो डंठल वाला पार्ट है ये निकाल देंगे, और इसको भी छोटे छोटे पीसेस में कट के डालेंगे ऐसे। तो इसी तरह दोस्तों सारे टमाटर हम डाल देंगे, ग्राइंड कर लेंगे फिर इसको। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम ग्राइंड कर लें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने टमाटरों को भी ग्राइंड कर लिया, इसका फाइन पेस्ट बना लिया दोस्तों। एंड अब दिखा देते हैं आप लोगों को जो हमारा प्याज रखा था वो भी। तो दोस्तों ये देख लीजिए दोस्तों, प्याज भी हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका दोस्तों। अब गैस को कर देते हैं हाई फ्लेम पे दोस्तों,
ताकि दोस्तों जल्दी से पक जाए हमारा प्याज। जल्दी से इसको करछी चलाते रहना, नहीं तो दोस्तों नीचे से जलना शुरू हो जाएगा, इसलिए करछी बार बार चलाते रहना दोस्तों कुकर में। तो इस तरह दोस्तों हम पका लेंगे, थोड़ी देर 5 से 10 मिनट लगेंगे दोस्तों इसको पकने में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका। 2 मिनट और दोस्तों इसको पकाएंगे बस, उसके बाद में दोस्तों इसी में डालेंगे फिर टमाटर प्यूरी जो हमने पेस्ट बना के रखा दोस्तों टमाटरों का, वो भी डालेंगे इसी में। थोड़ा गैस को करते हैं हाई फ्लेम पे ताकि जल्दी हो जाएगा दोस्तों प्रोसेसर, जल्दी पक जाएगा दोस्तों प्याज हमारा। तो इसको करछी दोस्तों इसी स्टेज पे दोस्तों हम करछी बार बार इसमें चलाते रहेंगे, नहीं तो दोस्तों नीचे से क्या होगा कि जलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा जो प्याज है वो बिल्कुल दोस्तों ब्राउन हो चुका है, एंड अब इसी में डालते हैं दोस्तों टमाटर प्यूरी जो हमने टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी बना के रखी थी वो। तो दोस्तों इसको हम धो के डाल देंगे थोड़ा सा, एंड दोस्तों अब गैस को कर देते हैं हाई फ्लेम पे। सो इसको मिक्स कर देते हैं, और जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते ही हैं कि टमाटर डालते हैं हम, इसमें डालेंगे दोस्तों नमक जो हमने नमक रखा था ये, इससे क्या होगा दोस्तों टमाटर जल्दी पकते हैं। साथ में डाल देंगे दोस्तों अदरक लहसुन का पेस्ट। तो दोस्तों हम करीब करीब 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अंदाजे से ही डाल लेंगे, एंड इसको भी करेंगे हम मिक्स। गैस को कर देते हैं हाई फ्लेम पे। तो चलिए दोस्तों इसको हम पका लेते हैं थोड़ी देर हाई फ्लेम पे, 5 से 10 मिनट इसमें भी लग जाएंगे दोस्तों पकने में। तो दोस्तों अभी इसमें 5 मिनट और लगेगा, अभी सिर्फ टमाटरों का जो है कि पानी सूखा है दोस्तों, यानी कि जो पानी टमाटरों से निकला था वो सूखा है दोस्तों। तो इसको भी 5 मिनट और पकेगा दोस्तों, उसके बाद में जब ये सारा ऑयल छोड़ देगा दोस्तों उसके बाद में इसमें बाकी के मसाले डालेंगे दोस्तों जो हमने बाकी के मसाले रखे थे। तो इसको भी दोस्तों हम 5 मिनट और इसको भी ऐसे ही पका लेंगे। मैंने 5 मिनट ढक के पकाया दोस्तों, 5 मिनट खोल के पकाएंगे अब दोस्तों इसको, ताकि जो इसका जो पानी है जल्दी से सूख जाए दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो हमारे टमाटर और प्याज है वो पक के रेडी हो चुका दोस्तों, इसका जो पेस्ट हमने बनाया था दोस्तों अच्छी तरह से पक चुका, एंड अब इसी में डालते हैं दोस्तों बाकी के मसाले। तो सबसे पहले दोस्तों मैं डाल रहा हूँ रेड कश्मीरी लाल मिर्च जो मैंने रखी थी दोस्तों, यानी 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये जो मैंने अनार दाने का जो पाउडर था बना के रखा, एंड दोस्तों साथ में डाल रहा हूँ दोस्तों जो हमने काफ़ी सारा चना मसाला रखा था ये। सो इसको करते हैं मिक्स 2 मिनट के लिए दोस्तों। इसका भी मैंने कस्तूरी मेथी जो मैंने तवे पे दोस्तों इसको गर्म करके दोस्तों रख लिया था दोस्तों, तो इसको भी हम पका लेते हैं 2 मिनट के लिए दोस्तों, हम इसको पका लेंगे अच्छे से। गैस को थोड़ा सा हाई फ्लेम पे कर देते हैं, मीडियम हाई फ्लेम पे। तो 2 मिनट के लिए दोस्तों हम पकाएंगे इन मसाले को, सारे मसाले को करछी चलाते रहना है दोस्तों 2 मिनट के लिए, पका लेते हैं इसको अच्छे से। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आप लोग हमारा जो 2 मिनट मसाला भी पक चुके हैं, एंड अब इसी में डालते हैं दोस्तों हम ये जो चने रखे थे, इसमें थोड़ा सा पानी भी है दोस्तों तो हम इसको डालते हैं इसी के साथ। पानी दोस्तों मीडियम ही रखना, ज़्यादा नहीं करना पानी, नहीं तो दोस्तों चने क्या है कि पानी पानी हो जाएगा दोस्तों, जो आप होटलों वाले चाहते जैसे होटलों में खाते उस तरह से नहीं बन पाएंगे दोस्तों। तो पानी भी दोस्तों मीडियम सा ही रखना दोस्तों, ज़्यादा नहीं पानी करना। तो थोड़ा सा हम पानी और डाल देते हैं इसमें। तो दोस्तों हमने पानी अपने हिसाब से रख लिया मीडियम दोस्तों, जितना हमें पानी चाहिए था, उतनी ग्रेवी चाहिए थी गाढ़ी, उतना हमने पानी रख लिया दोस्तों। अभी से देख सकते हैं आप लोग दोस्तों थोड़ी सी गाढ़ी है ग्रेवी, एंड इसी में डालते हैं दोस्तों जो हमने मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा लिया दोस्तों ये। तो दोस्तों हमने थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल दिया इसमें।
सो दोस्तों मैंने एक फ्राई पैन में मैंने दोस्तों पानी रख दिया एक कप। दोस्तों इसको हम उबल लेने देते हैं, फिर इसी में डालेंगे दोस्तों चाय पत्ती। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा जो पानी वो उबल चुका है, एंड अब इसी में डालते हैं दोस्तों चाय पत्ती। जो हमने चाय पत्ती रखी थी ये देखिए दोस्तों, सो इसको 1 मिनट के लिए हम उबाल लेंगे। और इसको डालते हैं दोस्तों छोले में, इसी चाय पत्ती वाले पानी को दोस्तों छान देते हैं इसमें। और चलिए दोस्तों इसको हम ढक्कन लगा के पकने देते हैं, 5 से 7 सीटियां लगवा लेते हैं दोस्तों कुकर में। तो इसको मिक्स कर देंगे एक बार इस तरह से दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों होटल वाले स्टाइल में दोस्तों मैं बना रहा हूँ। बिल्कुल दोस्तों आप लोग एक बार इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस छोले की रेसिपी दोस्तों, बहुत ही दोस्तों टेस्टी बनती, बहुत ही लाजवाब बनती दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको हम बंद कर देते हैं, पकने देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए दोस्तों, 6 से 7 सीटियां लगवा ले। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारे छोले बनके रेडी हो गए दोस्तों, एंड इसमें ग्रेवी भी दोस्तों बहुत अच्छी आई है। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल अच्छे से दोस्तों ग्रेवी आई, बिल्कुल गाढ़ी की दोस्तों ग्रेवी बनी है। एंड अब इसको दोस्तों हम लगा देते हैं थोड़ा सा तड़का, घी का तड़का लगा देते हैं दोस्तों। तो तड़का के लिए दोस्तों हमने जो एक हरी मिर्च रखी थी वो चॉप कर ली, और अदरक को भी जो मैंने लिया था दोस्तों उसको भी चॉप कर लिया है। और ये फ्राई पैन में मैंने घी भी रख दिया दोस्तों गर्म होने के लिए, गर्म भी हो चुका है। एंड गैस को मैंने ऑफ कर दिया था, ऑन कर लेते हैं, स्लो कर देते हैं दोस्तों। सो इसको डालते हैं इसी में, तो थोड़ा सा हम पका लेंगे इस तरह। गैस को हाई कर देते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब गैस को करते हैं हम ऑफ, और तड़का हमारा हो गया रेडी दोस्तों प्याज और मिर्च का, सॉरी अदरक और मिर्च का दोस्तों। इसको डालते हैं इसी में, तो चलिए दोस्तों डालते हैं। इसको भी पोंछ लेते हैं। तो दोस्तों हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, छोले की रेसिपी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें दोस्तों। कमेंट में बताइए दोस्तों अगर कुछ गलती हो गई हो वो भी बता दीजिएगा दोस्तों। सो दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, एंड वीडियो देखिए इन्जॉय कीजिए दोस्तों। आप लोग भी एक बार इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। सो फिर मिलते हैं आप लोगों को दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह चिट्टे छोले की रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। सो फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। धन्यवाद दोस्तों।